तीसरे चरण के चुनाव से पहले जेपी नड्डा की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान, कोई आतंकी हमला नहीं। नड्डा ने कहा जम्मू कश्मीर के लोग शांति और विकास चाहते हैं। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस एनसी पीडीपी ने देश विरोधियों का समर्थन किया, इन लोगों का कश्मीर से लेन देन नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है, इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है इनका। जम्मू की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार फैला। जम्मू कश्मीर की रैली में सीएम योगी ने दिया बयान, कहा जम्मू कश्मीर में जीती बीजेपी तो भारत में शामिल होगा पीओके। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान अपने लोकतंत्र की रक्षा करने में विफल रहा, वहां रोटी के लाले पड़े। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की चुनावी हुंकार, आज रामगढ़ और चाम में करेंगे महारैली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव को लेकर भारी बवाल, आम आदमी पार्टी ने किया बहिष्कार का ऐलान। मेयर का फैसला 5 अक्टूबर को ही चुनाव हो, एमसीडी कमिश्नर को भी भेजी चिट्ठी। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा आदेश गैर कानूनी। अरविंद केजरीवाल ने कहा सदन बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर को, बाकी किसी को नहीं। कानून में साफ साफ लिखा है कि कॉरपोरेशन का सिटिंग बुलाने की, सदन की सिटिंग बुलाने का अधिकार केवल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में छात्र संघ चुनाव के दौरान हंगामा, प्रोफेसर के साथ मारपीट। एनएसयूआई से डूसू में संयुक्त सचिव प्रत्याशी लोकेश चौधरी इलेक्शन बैच के साथ गए थे बूथ में, रोके जाने पर भड़के। लॉ फैकल्टी में तैनात थे प्रोफेसर अनुपम झा, इलेक्शन इंचार्ज के तौर पर थी ड्यूटी। सुबह 8:30 बजे से हो रही है वोटिंग, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। दूसरी पाली के मतदान में शाम 7:30 बजे तक वोटिंग, कल आएंगे नतीजे। योगी सरकार ने जारी किया 2017 से 2024 तक के एनकाउंटर का लेखा जोखा, कुल 52 अपराधियों में हर धर्म जाति के बदमाश। एसटीएफ की तरफ से जारी की गई लिस्ट, इनमें 15 मुस्लिम अपराधियों के नाम। लिस्ट के मुताबिक 10 ब्राह्मण जाति के अपराधियों का एनकाउंटर, यादव जाति के 8 बदमाश। श्रावस्ती में डीएम ने मजार से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ इलाके का दौरा किया। सीसीटीवी 24 घंटे संचालित रखने के निर्देश दिए गए, बौद्ध स्थली सहित महित में स्थित है मजार। कुल्लू के चंसारी गांव में पहुंची मंडी से सांसद कंगना रनौत, ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। कुल्लू में बिजली महादेव रोप वे को लेकर गांव वालों के साथ विरोध में उतरी कंगना रनौत, कहा देवता नहीं चाहते इसका निर्माण। 283 करोड़ की लागत वाले बिजली महादेव रोप वे का नितिन गडकरी कर चुके हैं शिलान्यास, तो उनकी दलील रोजगार पर असर। भागलपुर में एक और पुलिया ध्वस्त, 2 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने किया था इसका निर्माण। 5 पंचायतों को पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय से जोड़ता था ये पुल, गांव वालों में नाराजगी। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में आरोपी रजत भट्टाचार्य गिरफ्तार, बांग्लादेश पखो नाम के कट्टरपंथी संगठन का सदस्य है रजत। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई के मामले में बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा लालू जी ने ममता जी को फोन किया तो कार्रवाई हुई। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बंगाल मामले पर ये गाल बजा रहे हैं, गुजरात और मणिपुर मामले पर क्यों चुप रहते हैं।
जदयू नेता नीरज कुमार ने बिहारियों की पिटाई को लेकर लालू पर साधा निशाना, कहा ममता के साथ लालू गठबंधन करते हैं और बिहारी छात्र को पिटवाते हैं। लालू जी कि हमने ऐसी ताकतों के साथ राजनीतिक गठबंधन किया है जो बिहारी छात्रों की पिटाई करते हैं। महाराष्ट्र गोवा गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। दिल्ली एनसीआर के आसमान में छाए बादल, छिटपुट बारिश से मौसम सुहाना हुआ। दिल्ली में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली, इंडिया गेट से सामने आई तस्वीरें। भावनगर के कुलिया गांव में उफनते पानी में फंसी बस, बस में सवार 28 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाला। भावनगर कलेक्टर समेत प्रशासन मौके पर मौजूद, बस से सभी यात्रियों बुजुर्ग पर्यटकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें ट्रक में सुरक्षित तरीके से शिफ्ट किया। गुजरात के पोरबंदर में फिर से शुरू हुआ बारिश का दौर, कई इलाकों में भर गई पानी। जम्मू में सुबह सुबह हुई बारिश, तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जमकर गिरे ओले, बारिश ने बढ़ाई ठंड। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग की चेतावनी, कांगड़ा चंबा सोलन कुल्लू शिमला मंडी जिला में 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है।